नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड, वीए से रिलेटेड। जी हाँ भाई, बहुत सारे दुबई में आपको पता है भाई सबसे ज़्यादा लोग विजिट में जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मैटर ऐसा हो जाता है, आदमी को फंस जाते हैं या कोई रीज़न हो जाता है, पासपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान बीमार हो जाता है या फिर पासपोर्ट गुम हो गया। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं कि उनको ज़्यादा समय तक रहना पड़ सकता है। पास वीज़ा उनका ख़त्म हो रहा है लेकिन उनको रहना ज़रूरी है, या हो सकता है उनका जिस काम से वो गए थे वो काम पूरा नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा तो लोग विजिट में जाते हैं वहाँ वीज़ा कन्वर्ट करवाने के लिए वर्क परमिट में, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि वीज़ा ख़त्म हो गया। 1 मंथ का सबसे ज़्यादा लोग लेके वीज़ा जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है जाते ही। 3 मंथ का वीज़ा लोगों का ख़त्म हो जाता है। अब कंपनियां बोलती हैं आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, उसका रिन्यू करवाओ तब जाके हम वीज़ा लगाएंगे। तो ये लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आप यूएई में दुबई में रहते हो, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, चाहे 1 मंथ का हो चाहे 3 मंथ का हो, तो उसको आप दोबारा से रिन्यू का मतलब दूसरा वीज़ा कैसे लें, आसान प्रक्रिया है। 5 मिनट के वीडियो में पूरी हम डिटेल से बात कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लें। वीज़ा आपका ख़त्म हो गया, रिन्यू का मतलब वही है, दूसरा वीज़ा आपको मिलेगा। 1 मंथ का हो 3 मंथ का, पूरा प्रोसेस क्या है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, वो कोई झंझट नहीं है। बहुत सारे नए लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कहाँ से ये वीज़ा का। सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा कहाँ से लेना है, कितना पैसा लगेगा इसका। देखिए वीए में आपको पता है आपका जैसे वीज़ा ख़त्म होता है तो आउट इन करना पड़ता है, यानी आप किसी दूसरे देश में जाओ वहाँ से फिर वापस आओ वीज़ा लेके, इस तरह से होता है। लेकिन ये तो एक अलग ऑप्शन होता है, इसमें भी आपका पैसा उतना ही लग जाना है। इससे बढ़िया ऑप्शन है कि आप वहीं का वहीं इन आउट होने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आपका चार्ज लगेगा, आप वहीं पे ये काम प्रोसेस करवा सकते हैं, वहीं रहते हुए आप अपना वीज़ा दूसरा ले सकते हैं। जी हाँ, 3 से 5 दिन का प्रोसेस है क्योंकि कई बार छुट्टियां वगैरह पड़ जाती हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो देख लीजिए आप। और सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन बता दूं कि एजेंट जो है ना आपके दलाल होते हैं आपके पास में, मैं करवा दूंगा इतना पैसा देते, उनसे बचने की बजाय वीए में हर जगह ट्रेवल एजेंसी मिलती है, आप सबको पता है, उनसे आप करवा लें, वो अपना एक्स्ट्रा थोड़ा चार्ज लेती हैं और आपको वीज़ा रिन्यू हो जाता है। अगर आप वीज़ा रिन्यू करवाते हैं तो आवश्यक डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपका पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, 6 मंथ वैलिड होनी चाहिए। जी हाँ, पासपोर्ट में 6 महीने का वैलिड टाइम होना चाहिए एक्सपायरी डेट से पहले का। और एक पासपोर्ट साइज़ की आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए, एक फ़ोटो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। सेकंड बात करें तो जो पहले वाला वीज़ा है उसकी ओल्ड कॉपी ज़रूर रखें भाई साथ में, पहले वाला वीज़ा है वो कॉपी रहनी ज़रूरी है। अगर ये वीज़ा किसी ने पहले से आपके कोई जानकार हो, वहाँ पे आपका दोस्त हो रिश्तेदार हो, उसने अगर अप्लाई किया है तो उसमें उसके एड्रेस की कॉपी मांगी जा सकती है कि भाई ये आप इतने दिन कहाँ ठहरे थे, उसकी एड्रेस की एड्रेस प्रूफ मांगा जा सकता है। तो वो अगर हो तो आप अच्छी बात है, बाकी प्रोसेस बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। जी हाँ, अब बात करें कि भाई फीस, अगर वीए में बात करें तो दुबई को छोड़ के जितने भी उनके स्टेट हैं, अमीरात स्टेट हैं, उनमें अलग अलग फीस हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर फीस बोल के लोग नीचे कमेंट करने लग जाएंगे तो भाई कमेंट ना करें, अलग अलग फीस हो सकती है। अगर बात करें जैसे फुजेरा, अजमान, अबू धाबी, ये जो स्टेट है यूएई के, दुबई के अलावा, इनमें अगर बात करें तो 1 मंथ का जो वीज़ा है वो अगर लोगे तो आपको 1100 दिरहम लगेगा। जी हाँ, 1100 दिरहम चार्ज है। अगर 3 मंथ का वीज़ा लेते हो तो 1400-1500 के करीब इनका खर्चा आ जाता है। जी हाँ, अगर दुबई में ये वीज़ा आप कन्वर्ट करवाओगे तो भाई 1 मंथ वीज़ा का 1800 रुपये तक चार्ज लेते हैं। जी हाँ, और 3 मंथ वीज़ा का 2100-2100 तक इनका आपका चार्ज होता है। तो ये चार्ज ऊपर नीचे हो सकता है, वो उस पर डिपेंड भी उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है, बाकी 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यही चार्ज आपके लगेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप यार आपका 3 मंथ का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप दूसरे देश जाओगे, आपका हवाई टिकट लोगे या फिर आना जाना करोगे, फिर आपका वीज़ा का पैसा लगेगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये कि इतना पैसा वहीं पर बैठे बैठे आराम से चेंज करवा लो ना, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब कई लोगों को क्वेश्चन हो सकता है, सर विजिट वीज़ा कितनी बार ले सकते हैं? भाई आप विजिट वीज़ा 1 मंथ का चाहे जितनी बार, हर बार आप इन आउट होके वीज़ा लेते रहिए, गवर्नमेंट को तो कमाई हो रही है उस वीज़ा से। 3 मंथ का भी आप कितनी भी बार ले सकते हैं, इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी बार ये विजिट वीज़ा लिया जा सकता है इन आउट होए बगैर वहीं का वहीं, जो प्रोसेस मैंने बता दिया। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।